हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फी, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dsadaknama.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव रूपावास की दिखा रहा हूं, जहां पे आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद कांडा है, उनके पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला है वो पहुंचे हैं और गोपाल कांडा भी उनके साथ हैं। तस्वीरें हम आपको रूपावास गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर दिग्विजय सिंह चौटाला और गोपाल कांडा दोनों जो है पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद कांडा है उनके पक्ष में मतदान की अपील है वो करने के लिए दिग्विजय सिंह चौटाला है वो पहुँचे हैं। तस्वीरें हम आपको एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गाँव रूपावास की दिखा रहे हैं। एक ही गाड़ी में दिग्विजय सिंह चौटाला और गोपाल कांडा है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सांझे उम्मीदवार गोविंद कांडा है उनके पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। ये चुनाव हमारे बीच में क्यों आया, ये तो मेरे से कई बात ही आप सब जानते हैं। मेरे चाचा जी अवैसी जी ने इस्तीफा दे दिया ये कह करके कि कानून जब तक रद्द नहीं होंगे मैं विधानसभा का वो नहीं लेता। तो ये कहता है कि अगर वो अपनी बात पर कायम रहते तो उनको ना लगते चाहे मेरी चाची को लड़वा देते या दो बच्चे हैं मेरे भाई उनको लड़वा देते हैं, मगर रमेश सिंह जी को इस बात का अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि कहीं ये जो एक सीट है ये भी ना चली जाए। हाँ, बात यही को आप सब इस बात को जानते हो, 2013 में जिम्मेवारी हम लेते हैं भाई, आप दुष्यंत के साथ गोविंद जी को बिठा दो,
अगले 3 साल में गली की, नाली की, बिजली की, पानी की, ढाणी की, कोई भी बात इस इलाके की होगी, जैसे पहले चौबाला साहब और चौधरी देवीलाल के राज में वाले आए थे, वो 3 साल में ये 17 साल की होकर रहेगी सारी घटाने का काम। पार्लियामेंट में एमपी था तो ट्रैक्टर को टैक्स मुक्त करवाया नहीं। आज डिप्टी सीएम है, आप नरमे की फसल के देख लो और फसलों के देख लो, गाँव हमें हरियाणा में उचित मूल्य दिलवाए, सबसे ज्यादा मंडियां कोरोना काल में हरियाणा में बनवाई, 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायतों में दिलवाया, डिपो होल्डर जो कोई सोच नहीं सकता था 50% महिलाओं को डिपो होल्डर का आरक्षण दिलाया, 500 रुपए पेंशन बढ़ाई, अगली बार जब 5-6 साल आपसे वोट मांगने आएंगे तो ये वादा लेता हूं 5100 पेंशन दे तो आपको काम से मतलब है या हमें जो पहले होता आया वे हमें दुत्कार दिया जाता था हम उससे मतलब ये आप काम मतलब है नहीं आपको। और काम मेरे हिसाब से आज चौधरी रणजीत सिंह जी, मेरे दादाजी दुष्यंत और गोविंद जी, 3 आदमी एक सरकार का हिस्सा होंगे तो अपने काम सारे बढ़ेंगे, कोई काम नहीं रुकेंगे। मैं बड़े खुले तौर पर कहता हूँ कि एक एक वोट आए और 31 तारीख को गोविंद जी के पक्ष में जेजेपी बीजेपी के उम्मीदवार को देना, ये कहने अपील करने विनती करने आया था। मैं गोपाल जी से भी कहूंगा कि गोविंद आकर के अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतना ही कहूंगा कि बनी बनाई सरकार और आपके द्वार एक से आपकी सरकार बनने जा रही है, सरकार में हिस्सेदारी बनने जा रही है और आपको एक ऐसा विधायक जो आपकी सेवा करेगा, मान सम्मान करेगा, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मजबूत होगा। ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाकर आप अपने पिछले जो 30 वर्षों के काम है वो 3 वर्ष में करवाने का काम करेंगे, तो दोनों दुष्यंत जी के और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मजबूत करें और कमल के फूल का बटन दबाकर गोविंद कांदा को 30 तारीख को भारी मतों से जिताएं। जीत तो निश्चित ही है कि बड़े बुजुर्गों ने वे कान में आके काफी बड़े चिंता आकर की बात भी रखा है। ये आशीर्वाद अपने आप में जीत का वो संदेश है, वो प्यार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो मान सम्मान और प्यार दिया।